हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं सुमन जायसवाल आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बाउल ऑफ दुनिया में स्वागत करती हूं। और आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं? आजकल तो मौसम इतना अजीब व गरीब हो रखा है कि कल की बात मैं आपको बताऊं, हमारी तरफ के सारे रावण भीग गए थे, रावण ख़राब हो गए थे पूरी तरह से। उनका स्केलेटन निकल आया था, जो जो उनका उनको डेकोरेट किया गया था हर तरह से, उनको जो क्या बोलते हैं क्रैकर्स लगाए गए थे वो सारे ख़राब हो चुके थे। शाम को फिर उनको मतलब हम लोगों को जाना था मेला देखने के लिए, रावण देखने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं गए सिर्फ इसी वजह से कि पूरे दिन इतनी तेज जिसको बोलते हैं मूसलाधार बारिश हुई, तो मूसलाधार बारिश होती रही और हम लोगों बस प्रोग्राम ही बनाते रह गए कि बाहर आज जाएंगे, बाहर आज डिनर करेंगे, बाहर आज खूब अच्छे से खाएंगे पिएंगे और घूमेंगे, बच्चों को इन्जॉय कराएंगे, लेकिन हम लोगों के सारे प्रोग्राम धरे के धरे रह गए। और आप लोगों की सिटी में बताइए कैसा क्या हाल था, कि कहाँ कहाँ बारिश हुई और कहाँ बारिश नहीं हुई। और इसी वजह से आज भी रात में बारिश होती रही और आज भी 90% सुबह बारिश होनी थी लेकिन बारिश नहीं हुई। मैंने मेरे बच्चों को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि बादल इतने हो रखे थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब सुबह 6 बजे भी लग रहा था कि शाम के 6 बजे, वो एकदम घनघोर अंधेरा था। तो मैंने सोचा बच्चे स्कूल जाएँ और बहुत कम बच्चे आते जब ऐसी अवस्था होती है, तो मैंने कहा बच्चे अकेले वहाँ परेशान होंगे, इसलिए मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। हल्की फुल्की रिमझिम बारिश हो रही है लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखलाना चाहती हूँ, वो फेशियल क्रीम है जो मैंने यूज़ किया है। मैं वैसे ज़्यादा मेकअप कभी नहीं करती हूँ और ना ही कुछ मतलब बाहर की चीज़ें पार्लर वगैरह में भी जाती हूँ, जो कुछ है मुझे बस नेचुरल अच्छा लगता है। कभी एलोवेरा जेल लगा लेना, तो एलोवेरा जेल मेरे घर में लगा हुआ है तो मैं उसका ही वो बना लेती हूँ, क्या बोलते हैं लिक्विड बना लेती हूँ मिक्सी में जामुन पीस के, या फिर नहाने से पहले मैं बेसन लगा लेती हूँ, कच्चा बेसन और दूध लगा लेती हूँ। मैं अभी भी जो फेस पे मैं बैठी हूँ तो कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ लिपस्टिक और हल्का सा काजल लगाया है मैंने, मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है। तो मैं आपको अपना फेशियल क्रीम दिखलाती हूँ, ये है वो फेशियल क्रीम। इसको मैंने ऑनलाइन तो नहीं खरीदा, ऐसे जाके मार्केट में ऐसे परचेज़ किया। इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा रिजल्ट आया इसका, और इससे टैनिंग भी फिनिश होती है। मैंने इसको अभी तक 3 बार यूज किया है और इसके लगाने के बाद जब आप मुंह वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश आफ्टर, इतना अच्छा रिजल्ट आता है, आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग होती है और ग्लोइंग के साथ स्मूथ और इतनी शाइनिंग हो जाती है कि दूसरी कोई चीज़ लगाने का मन नहीं करता है। और मैंने अभी तक कोई भी अपने फेस में नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया है, कभी कभी कोई सीरम लगा लेती हूँ लेकिन आज मैंने वो भी नहीं लगाया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी कभी कभी फेशियल कर सकते हैं, और वैसे तो सभी लेडीज सर करती क्योंकि आजकल बिना पार्लर के कोई काम किसी का चलता ही नहीं, लेकिन मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमेशा नेचुरल चीज़ों को ही यूज करें। और उसके सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जब ज़्यादा मेकअप यूज करते हैं ना, तो आप लोगों के समय से पहले ही रिंकल्स पड़ जाते हैं। हम लोग अपने मेकअप से उसको पहले हाइड तो कर देते हैं कि ये इतना एक्स्ट्रा मेकअप हम लोग करते हैं जैसे, और उसके बाद जो रिंकल्स आते हैं हम लोगों को उसको और एक्स्ट्रा मेकअप लगा के उसको हाइड करना पड़ता है। लेकिन आप लोग मेकअप कम से कम यूज करें, ऐसा मैं एडवाइस कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप करने से स्किन ख़राब होती है। आप कितनी भी केयर कर लो लेकिन एज होती जो है ना वो चेहरे से छलकने लगती, तो अपनी आप नेचुरल एज को एंजॉय कीजिए और नेचुरल चीज़ों को एंजॉय कीजिए। और कभी कभी सिंपल सा आप कर सकती हैं। और मैं इसके बाद मेरे घर में मैंने स्टीम लिया था, स्टीम मीन्स हाफ ले लेते हैं जिसको बोलते हैं, इसके बाद मैंने स्टीम अपने आप से लिया था। मेरे घर में स्टीम जो जिसे स्टीम लेते हैं वो भी है, मैंने आज आपको नहीं दिखा पाई हूँ, कल दिखला दूँगी या एक दो दिन बाद दिखला दूँगी, क्योंकि वो मैंने भी रखा हुआ है तो उसको निकालने मुझे टाइम लगेगा। और मैंने उसको परचेज़ किया था ऑनलाइन तो बहुत अच्छा निकला, तो मैं उसको यूज़ करती हूँ और इसको भी यूज़ करती हूँ। अभी मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया है 3 बार, तो आप लोग भी अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगी कि आप लोग हमेशा घर की चीज़ें को ही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और बाहर की चीज़ें जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं आप लोग कर सकते हैं वो सिर्फ चीज़ें करिए, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हमेशा होती हैं, हम लोग एवरीथिंग उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं हर चीज़। और सबसे ज़्यादा फल फ्रूट खाइए जिससे स्किन ग्लो करती है, उसके लिए कोई हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप फल फ्रूट खाइए
ड्राई फ्रूट्स खाइए और हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। इसको आप अपनी डाइट में भी शामिल करें और उसके बाद आप अपना एक मंथ में आप अपना फेस का ग्लो खुद देख सकते हैं कितना अच्छा आपका स्किन ग्लो करता है। और उसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ इश्यू भी कोई नहीं होता है। और जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए, मैं आपको ये आज फ्री एडवाइस कर रही हूँ और क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ मेरी। और हाँ, कल एक मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने मैंने अपनी बेटी के बारे में बताया था कि उसका पेट दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा खा लिया क्या उसने, तो नहीं भाई ऐसा नहीं है, उसने ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं खाया, लेकिन उसको हल्का सा पेट में इन्फेक्शन हमेशा हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से वो कुछ भी नहीं खा पाती और उसको पेट में दर्द होने लगता है। तो वही मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसकी इन्फेक्शन की जो दवाई है मैं उसको जब कंटिन्यू 3 दिन देती हूँ तो उसका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना क्रैक्स कुकरी बहुत खाते हैं, तो मैं वैसे अवॉइड करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं मानते नहीं कभी कभी कि उनको खाना होता है शाम को, तो कभी कभी वो कंटिन्यू हो जाता 2-3 दिन तक, तो इस वजह से उसको पेट में दर्द हो गया था, तो लेकिन अब वो फ़िलहाल ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए, और बाय।